Assalamu alaikum. Today we are starting lesson number 11 of Psychology 504, which is about automaticity. Please subscribe my channel and like the video. It is starting from automatic processing. Some skills become so well practiced and routine that they require very minimal mental capacity. कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम ड्राइव कर रहे होते हैं, साथ सेल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ कुछ ना कुछ खा भी रहे होते हैं. तो ऐसे काम जिनको कर करके हमारी प्रैक्टिस हो गई होती है, फिर हमें उनको ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन्हें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग या ऑटोमेटिसिटी कहा जाता है. नेक्स्ट है प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. इट अलाउज अस टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज़ विदाउट मच कंसंट्रेशन और मेंटल एफर्ट. जो हम डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं उनके लिए फिर हमें ज़्यादा टेंशन की या ज़्यादा मेंटल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम वो कामों के आदी हो गए होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि औरतें जो हैं साथ साथ कॉल पर भी लगी होती हैं और साथ साथ सब्जी भी काट रही होती हैं, किचन में काम भी कर रही होती हैं. तो ये इसका फ़ायदा है. ऑटोमेटिक प्रोसेस कंप्लीट देमसेल्फ विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल बाय द ऑब्जेक्ट. ऑटोमेटिक प्रोसेस बिना कॉन्शियस कंट्रोल के मुकम्मल होते हैं. आगे इसके कॉन्स हैं, यानी इसके डिसएडवांटेजेस हैं. वी मे मेक सिली मिस्टेक्स, हम कोई ना कोई गलती भी कर सकते हैं. हो सकता है आपने नमक डालना हो तो आप गलती से चीनी डाल दें हंडिया में. वी मे फेल टू रिमेंबर व्हाट वी डिड, समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि हमने किया क्या है. लाइक आप अब ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप साथ कॉल पे लगे हुए हैं, तो आपको पता नहीं चलता, आप रॉन्ग टर्न ले जाते हैं, आप गलत मुड़ जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू शो अदर्स हाउ वी डू आर टास्क. नेक्स्ट है वॉट इज़ अ स्किल ऑटोमेटिक. अकॉर्डिंग टू बॉस्नर एंड सैंडर इन 1975, अकर्स विदाउट इंटेंशन. जब हमें इंटेंशन ना देनी पड़े तो वो जो स्किल है वो ऑटोमेटिक होती है. डज नॉट गिव राइज टू कॉन्शियस अवेयरनेस. जब हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस इस तरफ ना हो, हमें ज़्यादा फोकस ना करना पड़े एक चीज़ पे, हम उस चीज़ के आदी हो गए होते हैं कि हम उसके कई और काम करते हुए इसीलिए वो काम कर सकते हैं. डज नॉट इंटरफेयर विद अदर मेंटल एक्टिविटीज़. जो हमारी दूसरी मेंटल एक्टिविटीज़ पर इफेक्ट ना करें. लाइक आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको एक्सलरेटर ब्रेक क्लच का ठीक तरीके से नहीं पता, आपको वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना है कि कैसे आपने टर्न लेना है, कैसे ब्रेक लगानी है, कहाँ ब्रेक लगानी है, और साथ आप कॉल पे भी लगे हुए हैं, तो आपको दोनों में ज़्यादा जो है ना फोकस करना है. दोनों में जो है आपको अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ चाहिए. तो ये जो है स्किल ऑटोमेटिक नहीं है. इसमें यह है कि आप एक में एक्सपर्ट हों और दूसरा काम अगर आप कर रहे हों तो वो है. तो थर्ड पॉइंट का ये मतलब है कि ये हमारी दूसरी मेंटल एक्टिविटीज़ पर अफेक्ट ना करें. लाइक आप दोनों कामों में एक्सपर्ट हो तब जो है वो स्किल ऑटोमेटिक होता ही है. ऑटोमेटिसिटी एंड अदर पर्सपेक्टिव. इसमें शिफ्रिन और स्कैंडर जो हैं वो 1977 में आर्ग्यू करते हैं. वो ये कहते हैं कि हम एक आपको अटेंशन देते हैं और फिर वो काम जो है बार बार जब रिपीट होता है तो वो हमारी आदत बन जाता है. जैसे अब लड़कियों का रोज़ का काम है हंडिया बनाना, तो उनकी वो आदत बन गई होती है. तो जब वो 5वीं 6वीं दफ़ा उसको बनाएगी तो उनको पता होगा कौन सी चीज़ कब डालनी है, तो इतनी उनको टेंशन देने की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी. लाइक फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करना मुश्किल है, सेकंड टाइम मुश्किल है, कर करके आपकी आदत हो जाती है, फिर आपको इतना ये जो काम है मुश्किल नहीं लगता, आपको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रश बढ़ने से हमारी टेंशन, हमारा फोकस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाता है. हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कब कहाँ से गुजरना है, किसको जगह देनी है, एट्सेट्रा. शिफ्रिन एंड स्कैंडर ने एक साइंटिस्ट मोरे पर एक्सपेरिमेंट किया. मोरे लोगों के कानों में हेडफोन लगाकर उनको कुछ आवाज़ें सुनाता था और वो खुद भी सुनता था. तो वो हर बार सुन सुनकर जो है वो इतना माहिर हो गया कि वो दोनों कानों में बोली जाने वाली आवाज़ों को याद रखने लग गया. यानी इसके लिए जो है ये काम ऑटोमेटिक हो गया था. देखें, अब आपको एक कान से एक सॉन्ग सुनाया जा रहा है, दूसरे से दूसरा सॉन्ग सुनाया जा रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो. आपसे वो लाइनें मिक्स हो जाएंगी अगर आप दोनों सॉन्ग्स पहली पहली दफ़ा सुन रहे हो. लेकिन अगर आप दोनों कानों में हैंडफ्री लगी हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग हैं, तो पहले आप एक पे अच्छी तरह टेंशन देते हो, आपको एक सॉन्ग याद हो जाता है. दूसरी दफ़ा आप दूसरे पे टेंशन देते हो, आपको दूसरा याद हो जाता है. तो वो इतनी दफ़ा उसने वो आवाज़ें सुनी, इतनी दफ़ा जो है उसने एक चीज़ को सुना, फिर जब उसको जब दोनों कानों में हैंडफ्री लगाई जाती थी ना, तो उसको वो दोनों चीज़ें याद होती थी.
और एक्सपेरिमेंट में ये कह रहे हैं जो मोरे हैं वो हेनफी लगा के कुछ ना कुछ हर वक्त सुनते ही रहते थे, फिर यह है कि वो एक चीज़ बार बार सुन के उनको वो चीज़ें याद रहने लग गई थी। रियल अरेस्ट में फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि आपको जे लेटर टू बी रिकॉग्नाइज, आपको एक लेटर दिखाया गया जे और उसको फिर बहुत जल्दी से हटा दिया गया। फिर आपको जी के और एम एफ दिखा के पूछा गया है कि जो आपने लेटर देखा वो इसमें है। सेकेंड कंडीशन में यह है कि आपको 8 नंबर दिखाया गया और बहुत जल्दी से वो हटा दिया गया। फिर आपको एम एन और एल एट दिखाया गया तो पूछ रहे हैं कि इसमें से वह है। हो सकता है किसी को याद रहा है क्या हो, किसी को ना याद रहा हो क्योंकि वो जल्दी से लेटर हटा दिया गया है। तो एल एट में तो 8 आ रहा है, ऊपर वाले में जे नहीं है, लेकिन ये किसी किसी को याद रहा होगा, किसी को नहीं रहा होगा। और आगे रिजल्ट्स में क्या उन्होंने बताया हुआ कि जब टाइम जो था वो 80 मिलीसेकंड था, लाइक आपको जो एक वर्ड है वो 80 मिलीसेकंड के लिए दिखाया गया था, जो एक्यूरेसी थी वो 95% थी। और जब आपको टाइम ज़्यादा दिया गया 400 मिलीसेकंड कर दिए गए, तब भी जो एक्यूरेसी थी वो 95% ही थी, क्योंकि वो लफ्ज़ एक ही था ना, तो वो आपने फिर उसको जल्दी से याद रख लिया। फिर जब आपको ज़्यादा देर के लिए दिखाया गया तो वो तो आपको पक्का फिर याद हो गया होगा।